मेरठ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ के माध्यम से किसान फूलों और सब्जियों की खेती के साथ दूध और खाद बीज के कार्य से जुड़कर सीधे बाजार में अपनी फसल बेचकर अधिक मुनाफा पा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना भी साकार हो रहा है। नाबार्ड को जिला विकास प्रबंधक रविशंकर शर्मा ने बताया कि मेरठ जिले में 4 एफपीओ बनाए गए हैं जो अलग अलग ब्लॉक में हैं। इससे जुड़ने पर किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त खाद बीज मिल रहा है और वो अपनी खेती के प्रोडक्ट डायरेक्ट बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। लीड बैंक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि जन कल्याण संस्था के साथ मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से किसान ई बाजार पोर्टल से भी जुड़कर डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट से जुड़ रहे हैं। बैंकों द्वारा उन्हें समय समय पर मदद उपलब्ध कराई जा रही है। ये एफपीओ के माध्यम से एक तो उचित बीज लगता है, पहले के मुकाबले अब आधा बीज लग रहा है इसमें फसलों में, जिस कारण एक तो बीज की मात्रा कम लगने से एक तो उसका खर्चा बचा है, दूसरा उसमें जो दवाइयों का खाद का जो था वो साइंटिस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है एफपीओ को, और एफपीओ किसान को दे रहा है जानकारी, और किसानों को जो फसल में जो बदलाव आए हैं वो ये हैं कि एक तो बीमारियां कम हो रही हैं, जिस कारण पेस्टिसाइड भी कम लग रहा है पहले के मुकाबले, जिस कारण इस बार जो है उत्पादन बहुत अच्छा रहा है, और एफपीओ के माध्यम से शहर में जो डोर टू डोर ये सब्जी भी बिकी हैं, जिस कारण जो आम आदमी जो वहाँ पे सब्जी ले रहा था उसे सस्ते दाम पे भी मिली हैं। किसानों को जो बिचौलिए थे उसको ध्यान में रखते हुए किसान का जो जो प्रोडक्शन है वो सही मतलब प्राइस में बिक रहा है, जिस कारण किसानों का जो है प्राइस जो है अच्छा मिल रहा है, उसकी आमदनी बढ़ी है। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं कस्बा लावड़ का रहने वाला हूँ। मैं आलू की खेती करता हूँ और एफपीओ के माध्यम से अच्छी खेती करता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि बीज बीज सब बढ़िया मिलते हैं हमें यहाँ से एफपीओ के द्वारा, और इसके लिए हम यहाँ से सीपीआरआई से बीज ले आते हैं और ये देते हैं हमें, और हम इसके द्वारा खेती करते हैं बढ़िया आलू की। हम फूलों की खेती करते हैं, रजनीगंधा ग्लैडोलाइड से गेंदे की खेती करते हैं, और आम खेती के मुकाबले में इस खेती में लगभग 1.5 गुना से ज्यादा फायदा होता है जो गन्ने की परंपरागत खेती है, और थोड़े समय की फसल है, लेकिन कोविड की वजह से आपका थोड़ी दिक्कत आई, जो फूल है उस वक्त बिका नहीं तो उससे किसानों को थोड़ा स्थिति ठीक नहीं रही, लेकिन अगर अब स्थिति सही हो गई है, जो हम फूल अपना उत्पादन करते हैं जो कंपनी के सभी मेंबर एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको ले जाते हैं दिल्ली गाजीपुर मंडी में ले जाते हैं, या बल्क में हमें ऑर्डर मिलता है मेरठ में भी जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहां भी ले जाते हैं, तो इससे किसानों की जो आमदनी लगभग 1.5 गुनी तो बढ़ चुकी है आम उसके मुकाबले में। किसानों को लाभ ये रहा हो रहा है कि इनपुट उनको सही समय पे मिल रहा है और जो कंपनी का प्राइस है उसी के ऊपर मिल रहा है, मार्केट में इनपुट का शॉर्टेज हो या एक्सेस सप्लाई हो उससे उनके प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, सही समय पे इनपुट क्वालिटी इनपुट मिलने के वजह से उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है।